सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2023 वाले से 2024 वाले मॉडल में क्या क्या अपडेट किया गया है। इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है और सीट हाइट में आपको बता दूं 805 mm इस बाइक की सीट हाइट है। फिर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वाली लाइट देखने को मिल जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइम व्लॉग्स। सो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ बजाज की पल्सर NS125 2024 का अपडेटेड मॉडल। सो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2023 वाले से 2024 वाले मॉडल में क्या क्या अपडेट किया गया है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस बाइक के थोड़े से सिनेमेटिक शॉट्स को इन्जॉय करो एंड फिर उसके बाद हम लोग इसके सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट जो आपको देखने को मिलता है वो आपको इसके हेडलाइट में देखने को मिल जाता है, जो कि पहले एलईडी नहीं आती थी, हैलोजन आती थी, बट अब इसमें एलईडी कर दिया कि आप देख सकते हैं। उसमें ऊपर आपका लो बीम, नीचे आपका हाई बीम आपको देखने को मिल जाता है। साइड में आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं। अभी आपको ऑन करके भी दिखा दूंगा। रुको, ऑन कर देता हूँ भैया। आप करो तो ये आप देख सकते हो लाइट्स ऑन हो गई हैं। अभी लो बीम पे हाई बीम भैया ऑन करिएगा जरा। ये रहा इसका हाई बीम और ये साइड में इसके DRLs। एंड गाइस, बजाज ने अपनी NS की सारी सीरीज़ में LED इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए, बट NS125 में आपको अभी भी बजाज हैलोजन इंडिकेटर ही प्रोवाइड कर रही है। एंड सेकंड चीज़ अगर देखी जाए तो इसमें आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको ट्विन पिस्टन वाले कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। और डिस्क के साइज़ बता दूँ मैं आपको तो 240 mm का डिस्क का साइज़ है। एंड बैक में आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाती है 130 mm की। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सेकंड अपडेट का। सेकंड अपडेट आपको इसमें इसके मीटर को देखने को मिल जाता है। पहले इसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर देखने को मिलता था और अब इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे साइड में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ साइड में आपको न्यूट्रल शो कर रहा है, यहाँ पे आपका फ्यूल दिखाएगा आपको, ऊपर आपका RPM है और ये आपका स्पीड, नीचे दिखा रहा है रिफ्यूल और साइड में आपको ये ब्लूटूथ का ऑप्शन। और गाइस, इस NS125 में आपको 10x10 नेविगेशन देखने को नहीं मिलता है, बट NS160 और 200 में आपको 10x10 नेविगेशन देखने को मिलता है। एंड साइड में ये आपको यहाँ पे ये ओडोमीटर, नीचे आपका ट्रिप ए ट्रिप बी, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी जिसमें आप अपना कॉल SMS सारे अलर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और थर्ड अपडेट की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है छोटा सा। यहाँ पे आप अपना टाइप सी या कोई सा भी पोर्ट आप अपना कनेक्ट करके फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। और साइड में आते हैं इसके बटन्स के पास, तो यहाँ पे आपको ये हाई बीम लो बीम और यही आपका पासिंग लाइट, और इधर आपका ये M बटन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जैसे अगर आपका कोई कॉल या SMS आ रहा है तो आप यहाँ पे मतलब रिसीव कर सकते हो और काट सकते हो, ठीक है। और ये नीचे आपका इंडिकेटर, फिर ये हॉर्न, चलिए एक बार इसका हॉर्न भी सुन लेते हैं। इसमें आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है, डबल हॉर्न नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच और ये आपका नीचे सेल्फ, गाड़ी का साउंड लास्ट में सुनेंगे। और यहाँ पे आपको क्लिप ऑन बार हैंडल बार देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो सामने से। मिरर्स की विजिबिलिटी की भी बात कर लें तो इसकी मिरर्स की विजिबिलिटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग बाइक के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले CC बता दूं, इसमें आपको 125 CC का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक FI इंजन देखने को मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 11.8 PS की पावर। और टॉर्क की बात करें तो 11 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इसी में किक स्टार्ट भी का ऑप्शन मिलता है क्योंकि जितनी भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक होती है उसमें जल्दी आपको किक्स नहीं मिलती हैं, तो इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइड में आपको बजाज का लोगो देखने को मिल जाता है पूरा ब्लैक आउटफिट में। एंड अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो 179 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड में इंजन काउल देखने को मिल जाता है जिसमें वाइट और ग्रे कलर की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। एंड बीच में आपको सेंटर स्टैंड देखने को मिल जाता है और सिंगल स्टैंड भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड अब बात करते हैं हम लोग बाइक की टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो 12 लीटर्स की इसमें टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करते हैं तो 45-50 कंपनी क्लेम कर देती है। और यहाँ पे आपको E20 का स्टिकर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का थोड़ा सा कलर देखने को मिल जाता है फिनिशिंग में। और इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है और सीट हाइट में आपको बता दूं 805 mm इस बाइक की सीट हाइट है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है स्प्लिट सीट के साथ। और यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रैब बार देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पीछे आते हैं तो इसमें आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है भैया, देख दीजिएगा जरा, आप देख सकते हो। इसमें बैक में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, फिर नीचे आपको नंबर प्लेट, फिर यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट वाली लाइट देखने को मिल जाती है जो कि हैलोजन में दी हुई है।
और फ्रंट टायर साइज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 80x117 इंच के अलॉय व्हील के साथ आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। एंड बैक टायर की बात करें तो बैक में आपको 100x9017 इंच के अलॉय व्हील के साथ देखने को टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस टायर है। और अगर फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो इसमें आपको कार्बन फाइबर का थोड़ा सा टच देखने को मिल जाता है। और बैक में भी आपको मफलर देखने को मिलता है, जो कि जैसे बारिश में आप जैसे बाइक को चला रहे तो आपको बारिश का पानी और कीचड़ आपका बैक में जो मोनोशॉक दिया हुआ है इसमें ना जाए, तो इससे आपकी सस्पेंशन की लाइफ बढ़ जाती है। और इसके मफलर में भी आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर का टच देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे साइड में आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, जो कि एक ही साइड से जुड़ा हुआ है। एंड अब आते हैं लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में आपको लेडी फुटरेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि अलग से एकदम दिया हुआ है। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के गियरबॉक्स के बारे में, तो 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन का स्टिकर देखने को मिल जाता है। बैक में आपको NS125 का स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि सिल्वर और वाइट कलर में, और यहाँ पे भी आपको वाइट कलर की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती हैं। एंड फ्रंट में आपको LED हेडलाइट के पास आपको यहाँ पे बजाज का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल बाइक का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ फ्रंट में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं दोनों तरफ, और टेलीस्कोपिक इसमें आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। बैक में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। और बाकी ओवरऑल आप गाड़ी का लुक देख सकते हो कैसा है। अब बात करते हैं बाइक के कर्व वेट के बारे में, तो 144 kg बाइक का कर्व वेट है। अब सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट, चलो ऑन करते हैं। गाड़ी न्यूट्रल है, पहले तो आप ऐसे ही सुन लो। इसमें आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा बेसी है। गाड़ी बंद हो गई, तो अब आप इसका साउंड सुनिएगा। काफ़ी ज़्यादा बेसी साउंड है, लाउड नहीं है। एंड अब बात कर लेते हैं हम लोग इस बाइक के प्राइस के बारे में। सबसे पहले अब इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं, 1,06,000 यहाँ के कानपुर का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1,25,000 आपको ये ऑन रोड पड़ती है हमारे यहाँ कानपुर में। बाकी आपके कौन कौन से सिटीज से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आपके सिटीज़ में क्या प्राइस चल रहा है, अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम ID भी देखो नीचे हैंडल हो रही है, वहाँ पर भी आप फॉलो करके मुझसे कुछ भी जानकारी लेना चाहे, कुछ भी पूछना था वहाँ पर पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा मुझे। वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और जो भी बंदा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइस।